आज हम लोग जलकुंभी से प्राकृतिक खाद बनाने की विधि सीखने जा रहे हैं यशपाल जी के साथ में, और यशपाल जी आगे हैं स्वांता सुखाय के बाबा श्री विजय शंकर पांडे जी हैं, वेदा लाइफ के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी जी हैं, और साथ में हमारे संस्था के स्ट्रैटेजिक पार्टनर श्री संदीप पांडे जी हैं, और हम लोग अब जा रहे हैं जलकुंभी की तरफ। जो जलकुंभियाँ हैं पूरी, आज इंजन कभियों को भी हटाने की कवायद शुरू की गई है, और हटाकर इसको अलग जगह रखा जाएगा। ये जगह चिन्हित की गई है, और यहाँ पे हम लोग जो है जलकुंभी को डालकर और खाद का आज नींव रखी जाएगी पहले दिन। देखिए तरीका काटने की जरूरत होगी, हाँ सब बाल्टी वाल्टी सब मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। वो पेड़ के बराबर लाइन कराएं, पेड़ तक बस उतना ही। हाँ हाई पॉलिथिन वहाँ फेंक दो बेटा, पॉलिथिन फेंका। आज आपको प्योर तरीके से खाद बनाना सिखाएंगे, और वो भी जो वेस्ट खेतों से बच जाता है उसका इस्तेमाल करके। बस खाने वाला पशु को पूरा रख। ये नसीबपुर गांव है, और उसी के सामने हम लोग बना रहे हैं, स्कूल के सामने। और दो तरह का यहाँ पे कंपोस्ट बनेगा आज। जीवामृत रेडी है हमारा, दो जगह हमारी जगह तैयार होगी इस गड्ढे में। दाल तो छोड़ दी, दो जगह गड्ढा तैयार हो गया है। ये डीकम्पोजर है, पीडब्ल्यूडी का तो इसको कड़ी नहीं है। पूरा डाला है, आधा कर दूँ, आधा साइड बेटा।
बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मैं बच्चा नहीं हूं। बहुत बढ़िया। आज तो इनका क्या निकाल लिया बाबू, निकल जाएगा पिछले भी निकल जाएगा। कोई लग रहा था कि कृषि वैज्ञानिक कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ये करने और ना करने में फर्क है बस। बहुत आसान है, आराम से किया जा सकता है और युवा लोगों के लिए बहुत बड़ा रोज़गार साबित हो सकता है। आप अपने खेलते कूदते समय में भी ये काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिन भर आपको 8 घंटे ऑफिस में नहीं बैठना है और बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत भी नहीं है। किया जा सकता है, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है। ये अभी ये चौथा लेयर डाला जा रहा है और ये सूखी घास डाली जा रही है। ये कैसी घास है भैया? पुआल है। और ये टूटी हुई पुआल है? हाँ। आपकी उपज ज्यादा हो रही है, हम लोग देखे हैं खुद। जैसे ये होता है कि धीरे धीरे सड़ता है जो चीज, वो तत्काल में जब शुरुआती दौर में सड़ जाएगा तो वो पौधे को शुरुआती दौर से विकास करेगा। हाँ, वही सिस्टम है इसमें। ये तो बहुत आसान है कि जिसमें आप यूरिया लेने के लिए कोसों दूर तक जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं कि नहीं, उतने घंटे में आप ये काम करके अपना पैसा भी बचा लो, एनर्जी भी। गांज की एक टाली का ऊपर से गोबर खाली फेंकवा देने, हम कहीं 6-7 महीना में उसके खाद हो जाए, उठवा के गर्मी में फिर खेते में।